हे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। आज इस चैनल के माध्यम से तमाम आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी देने जा रही है। आप इस वीडियो को बिना किसी स्किप के देखें। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आपको आईटीआई की एक नई जॉब के बारे में, आईटीआई कर चुके अभ्यर्थियों के लिए एक नई जॉब का विश्लेषण एवं सिलेक्शन प्रोसेस आसान तरीके से आपको बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हम लोग कि यह जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा निकली हुई है, अर्थात ब्रह्मोस जहां से बनती है दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस से यह वैकेंसी निकली है। और इसमें टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस इस प्रकार के पद हैं। आप टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस प्रकार के पद बन सकते हैं, जिनके लिए योग्यता आईटीआई डिप्लोमा अथवा डिग्री चाहिए। और हाँ दोस्तों, यह सूचना ब्रह्मोस एरोस्पेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। आप चाहे तो लिंक में जाकर जरूर देखें। ये बात आते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं आईटीआई वालों के लिए कौन सी जॉब है और डिप्लोमा वालों के लिए कौन सी जॉब है तथा डिग्री वालों के लिए कौन सी जॉब है और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो ध्यान दे दोस्तों, अगर आप 60% मार्क्स के साथ आईटीआई किए हैं, हीटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, टूल एंड डाई, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर इत्यादि प्रकार के ट्रेड से अगर आप आईटीआई कर चुके हैं एवं आपका मार्क्स 60% न्यूनतम हो, तो आप टेक्नीशियन के पद पर आवेदन कर सकते हैं। के बाद आते हैं दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है वह 14 जुलाई है और इसकी जो उम्र सीमा है दोस्तों वह 18 से 25 वर्ष का है, जिसकी गणना 29 जून तक में आपको 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा जिनकी हो गई है वह इसे आवेदन कर सकते हैं। इसका केंद्र जो है दोस्तों वह त्रिवेंद्रमपुरम में भले ही हो, लेकिन यह जॉब एनीवेयर इन इंडिया का जॉब है। के बाद आते हैं दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यह जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यह जॉब है, 2 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट होता है इस जॉब में। लेकिन हाँ, जितने भी इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है दोस्तों, तमाम प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा ही बढ़ाया जाता है, आपका एक्सटेंड किया जाता है। और हाँ, किसी भी पद में, किसी भी टेक्नीशियन या किसी भी पद में आवेदन करने के लिए आपको कोर्स के साथ साथ 3 से 5 वर्ष का अनुभव भी बहुत जरूरी है। के बाद आते हैं दोस्तों डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा के लिए भी सेम विशेष प्रकार के ट्रेड्स का बहाली है, डिग्री के लिए भी सेम प्रोसेस, दोनों के दोनों सेम है दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो बहुत ही जानकारी पूर्ण लगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी प्रकार के जॉब अथवा नौकरी की तैयारी कर रहा हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।